हे गाइस, मैं हूँ केर कुआड़े। आप सभी का स्वागत है क्रैक टेक्नोलॉजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी अच्छी टेक न्यूज़ के बारे में। लेट्स स्टार्ट। गाइस, पोको की ओर से बहुत ही जल्द पोको X3 लॉन्च हो रहा है इंडिया में। और ये जो आने वाला अपकमिंग पोको की ओर से पोको X3 में आने वाला बेस्ट फीचर है डिस्प्ले का। इसमें स्विच कर सकते हैं 120 हर्ज टू 240 हर्ज तक आप स्विच कर सकते हैं पोको X3 में। और ये जो फीचर है वो बहुत ही अच्छा पोको की ओर से पोको X3 में जो लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द इंडिया में दिया गया है। ये फीचर डिस्प्ले में 240 हर्ज तक आप स्विच कर सकते हैं ये पोको X3 में। और इसमें जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो 6.67 इंच का, यानी कि ये फुल डिस्प्ले का सपोर्ट भी दिया गया है पोको X3 में। और इसमें पंच होल डिस्प्ले है, यानी कि इसमें एक मिडल में पंच होल में ही कैमरा दिया गया है डिस्प्ले के अंदर। और ये जो आने वाला अपकमिंग पोको X3 है वो बहुत ही अच्छा लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और ये पोको X3 कम प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फीचर देने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, MI की ओर से बहुत ही जल्द स्मार्टर लिविंग 2021 प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। और ये जो आने वाला अपकमिंग प्रोडक्ट्स है वो सितंबर 29 को लॉन्च होने वाला है। और उसमें आने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो MI बैंड 5 है, जो अभी रूमर्स निकल के आ गए हैं। और देखते हैं अभी कौन कौन से प्रोडक्ट MI की ओर से स्मार्टर लिविंग में 2021 में लॉन्च होता है MI की ओर से। देखते हैं और वो प्रोडक्ट कौन सी प्राइस के साथ और कौन कौन से स्पेक के साथ लॉन्च होते हैं। अभी एक रूमर्स निकल के आ गया कि उसमें आने वाला जो अपकमिंग प्रोडक्ट है वो MI बैंड 5 जो लॉन्च होने वाला है इंडिया में बहुत ही जल्द, यानी कि 29 सितंबर को इंडिया में लेके आ रहे हैं MI की ओर से MI बैंड 5। अभी देखते हैं ये MI बैंड 5 कौन से स्पेक के साथ और कौन सी प्राइस के साथ लॉन्च होता है इंडिया में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, सोनी की ओर से सोनी Xperia 5 II जो लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। और इसमें जो फीचर दिया गया है वो प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 865 जो 5G सपोर्टेड है। और ये जो सोनी Xperia 5 II जो मोबाइल है सोनी की ओर से, इसमें 8GB का रैम का सपोर्ट भी दिया गया है। और इसमें जो बैटरी का सपोर्ट दिया गया है वो 4000mAh का बैटरी का सपोर्ट दिया गया है। और इसमें डिस्प्ले का जो सपोर्ट दिया गया है वो 120 हर्ज तक डिस्प्ले का सपोर्ट भी दिया गया है। और ये जो सोनी Xperia 5 II है वो नेक्स्ट मंथ में ऑफिशियली सेलिंग पर जाने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, Xiaomi की ओर से बहुत ही जल्द एक और मोबाइल लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और ये जो मोबाइल आने वाला है वो Redmi K40 Pro जो बहुत ही जल्द लॉन्च कर रहा है Xiaomi की ओर से। अभी देखते हैं ये K40 Pro कौन सी प्राइस के साथ और कौन से स्पेक के साथ लॉन्च होता है। पर इसमें स्पेशल जो प्रोसेसर यूज़ होने वाला है वो 5nm पर आने वाला है। अभी देखते हैं ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन या तो मीडियाटेक कौन सा आता है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली ये प्रोसेसर 5nm पर कौन से प्रोसेसर के साथ Redmi K40 Pro लॉन्च होता है इंडिया में और उसकी प्राइस क्या रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, Vivo की ओर से बहुत ही जल्द Vivo Y26GB रैम का वेरियंट लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक में। अभी देखते हैं एग्जैक्टली उसकी प्राइस क्या निकल के आती है। और ये जो अभी सिर्फ Vivo Y24GB अवेलेबल है और ये जो Vivo की ओर से लॉन्च होने वाला Vivo V26GB रैम का साथ लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और इसकी जो प्राइस रहेगी करीबन 14,000 नियरेस्ट। अभी देखते हैं एग्जैक्टली उसकी प्राइस क्या निकल के आती है Vivo की ओर से। पर बहुत ही जल्द Vivo लेके आ रहे हैं Vivo Y26GB रैम वेरिएंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, PlayStation 5 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और ये जो आने वाला अपकमिंग PlayStation 5
के साथ और एक प्लेस्टेशन 5 डिजिटल एडिशन भी लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, यानी कि नवंबर 12 को यूएस में, कनाडा में, जापान में, कोरिया में, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में लॉन्च होने वाला है और नवंबर 19 को पूरे वर्ल्ड में लॉन्च होने वाला है। और ये जो आने वाला अपकमिंग प्लेस्टेशन 5 यानी कि PS5 आप प्री ऑर्डर अभी से कर सकते हैं। और ये जो PS5 है वो फ्लिपकार्ट, Amazon, सोनी सेंटर, रिलायंस डिजिटल गेम्स ये सब शॉप में अवेलेबल होने वाले हैं। अभी देखते हैं एग्जैक्टली इंडिया में PS5 की प्राइस क्या निकल के आती है और कौन कौन से स्पेक के साथ लॉन्च होता है प्लेस्टेशन 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। गाइस मोटोरोला की ओर से बहुत ही जल्द और एक जो मोबाइल लॉन्च होने वाला है उसमें स्पेशल कैमरा के लिए बहुत ही अच्छा फीचर के साथ लॉन्च होने वाला है मोटोरोला की ओर से, और एक नया मोबाइल और उसके साथ ही वो मोबाइल में बहुत ही फास्ट प्रोसेसर का यूज़ करने वाले हैं। और ये जो अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर से साथ लॉन्च होने वाला है मोटोरोला की ओर से और एक नया मोबाइल, और इसमें बिगेस्ट बैटरी का भी सपोर्ट दिया गया है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली उसकी प्राइस क्या रहती है इंडिया में और कौन से स्पेक के साथ लॉन्च होता है इंडिया में और कौन सी डेट को वो लॉन्च होता है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। थैंक यू।